जैसे जैसे दिवाली करीब आ रही है वैसे वैसे शेयर बाजार में निवेशकों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। हर किसी को उम्मीद है कि इस फेस्टिवल सीजन में बाजार एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। पिछले एक साल में निफ्टी में करीब 28 फीसदी की तेजी आई है, लेकिन सितंबर के आखिर में अपने पीक पर पहुंचने के बाद इंडेक्स में लगभग 7 फीसदी की गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फेस्टिव सीजन के चलते बाजार में भले ही थोड़े समय के लिए तेजी दिखाई दी, लेकिन अभी भी कम से कम 7 ऐसी चुनौतियां हैं जो स्टॉक मार्केट के सामने बनी हुई हैं। तो कौन सी हैं वो 7 चुनौतियां, आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहली है धीमी ग्रोथ के बीच बढ़ता वैल्यूएशन। डीएसपी म्यूचुअल फंड के साहिल कपूर का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार में अभी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, यानी अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। इसी तरह चोला सिक्योरिटीज के धर्मेशकांत ने भी ऊंचे वैल्यूएशन को एक बड़ी चिंता बताया। उन्होंने कहा कि निफ्टी 50 कंपनियों की ईपीएस ग्रोथ रेट के पहले 15 से 16 फीसदी रहने का अनुमान था, जो अब घटकर 10 से 11 फीसदी रहने की आशंका है। कुछ एक्सपर्ट्स तो फिस्कल ईयर 2025 के लिए महज 5 फीसदी अर्निंग्स ग्रोथ की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने भी भारतीय शेयरों की रेटिंग को ओवरवेट से घटाकर न्यूट्रल कर दिया है और अगले 3 से 6 महीनों में टाइम करेक्शन की उम्मीद जताई है। दूसरा है अर्निंग्स ग्रोथ से जुड़ी चुनौतियां। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कमाई में कमजोरी जारी रह सकती है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के निकेत शाह ने कहा कि Q2 के नतीजे उम्मीद से कमजोर हो सकते हैं। साहिल कपूर और धर्मेश कांत का मानना है कि बढ़ती कमोडिटी वैल्यू से मार्जिन पर असर पड़ा है और तीसरी और चौथी तिमाही में भी अर्निंग्स में गिरावट आ सकती है। वहीं नुवामा के अवनीश राय का कहना है कि शहरी मांग में कमी और फूड इन्फ्लेशन के चलते कंज्यूमर डिमांड घटी है, जिससे कंपनियों की आय पर और दबाव बढ़ रहा है। अब बात करते हैं तीसरी चुनौती की, वो है सितंबर तिमाही में मिला जुला प्रदर्शन। भारतीय कॉर्पोरेट जगत की आय में सितंबर तिमाही के दौरान मिला जुला प्रदर्शन देखा गया। ज्यादातर कंपनियों के रेवेन्यू और प्रॉफिट में सीमित ग्रोथ देखने को मिली और मार्जिन पर दबाव बना हुआ है। कंज्यूमर सेक्टर्स पर बढ़ती लागत और डिमांड में सुस्ती का साफ असर देखा जा सकता है। HDFC बैंक ने अच्छी कमाई की, जबकि एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने औसत प्रदर्शन किया। FMCG सेक्टर्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ग्रामीण इलाकों में कमजोर मांग का हवाला दिया। अब आते हैं चौथी चुनौती पर, जो है RBI और ब्याज दर से जुड़े जोखिम। भारतीय शेयर बजार के लिए एक बड़ा रिस्क RBI का ब्याज दरों पर रुख हो सकता है। साहिल कपूर ने बताया कि धीमी ग्रोथ और मांग में कमी के बावजूद फूड इन्फ्लेशन की वजह से RBI दरें घटाने में सतर्क है। कपूर ने कहा कि भारत में फूड इन्फ्लेशन लगभग 20% की दर से बढ़ रही है, जो काफी ऊंची है। अब बात करते हैं पांचवी चुनौती की, जो है राजकोषीय और ग्लोबल आर्थिक चिंताएं। राजकोषीय शक्ति और ग्लोबल इकोनॉमिक जोखिम भी भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ा खतरा है। साहिल कपूर का मानना है कि भारत सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर दोनों ही कर्ज घटा रहे हैं, जिससे ग्रोथ में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि भारत में कॉरपोरेट सेक्टर अपना कर्ज कम कर रहा है और नया लोन लेने के बजाय ज़्यादा लोन चुका रहा है। इसके अलावा अगर अमेरिका का फिस्कल स्पेंडिंग धीमा होता है तो इसका असर ग्लोबल बाजारों पर, खासकर भारत पर पड़ सकता है। अब आते हैं छठी चुनौती पर, जो है सेक्टर से जुड़े जोखिम। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑटो और IT जैसे सेक्टर्स में ऊंचे वैल्यूएशन और मांग में कमी के कारण ज्यादा खतरा बताया है। वहीं निकेत शाह ने वायर और केबल और टेलीकॉम सेक्टर्स में संभावनाओं को लेकर पॉजिटिव रुख बनाया है। अब बात करते हैं सातवीं और आखिरी चुनौती की, भू राजनीतिक और बाहरी जोखिम। भू राजनीतिक जोखिम भी भारतीय इक्विटी के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। धर्मेश कांत ने बताया कि अमेरिका के आगामी चुनाव और ब्रिक्स देशों का सहयोग बाजार में अस्थिरता ला सकते हैं। कांत ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं तो उनको संरक्षणवादी नीतियों के चलते भारत के एक्सपोर्ट्स आधारित सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। We'll be right back.